दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, जहां पर एक भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर को 22 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसा क्या बड़ा क्राइम किया जिसके चलते 22 साल की सजा सुनाई गई है, बताऊंगा तफसील के साथ आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ और मैं ट्रांसपोर्ट पीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90831 से जरूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90831 पर, आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जिस ड्राइवर की मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है महिंदर सिंह और ये भारतीय मूल के हैं, पंजाबी हैं और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में काफ़ी सालों से ट्रक चलाते हैं। 48 साल इनकी उम्र है और 22 साल की सज़ा क्यों हुई है इनको, उसके पीछे कारण ये था कि 22 अप्रैल 2020 को ईस्टर्न फ्रीवे नाम की एक हाईवे है मेलबर्न के अंदर, वहां पर नशे की हालत में एक ऐसे सड़क हादसे को अंजाम दिया जिसमें 4 पुलिस ऑफिसर्स की जान चली गई। जी हाँ, 4 पुलिस ऑफिसर्स, 3 उनमें पुरुष थे और एक महिला पुलिस ऑफिसर थी जिनका कोई भी कसूर इसमें नहीं था। पूरा दोष जो है इस केस में सीधा सीधा इस ड्राइवर का नज़र आ रहा है। उस दिन 22 अप्रैल 2020 को उस समय जब ये हादसा हुआ तो ये चारों अधिकारी एक पोर्श गाड़ी को रोककर उसके कागजात वगैरह चेक कर रहे थे। तभी उसी समय महेंद्र सिंह जो ट्रक चला रहे थे 87 किलोमीटर प्रति आर की स्पीड से, बताया जा रहा है 19 टन का प्राइम मूवर ट्रक था इनका, उसके साथ सीधी टक्कर मार दी, जहां पर ये पुलिस ऑफिसर उस गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे और चारों पुलिस ऑफिसर्स की मौके पर ही मौत हो गई थी। अब लगभग इस पूरे किस्से को 1 साल हो चुका है और अब सज़ा सुनाई गई है 22 साल की, और सज़ा इतनी सख्त है कि 18.5 साल तक, 18 साल 6 महीने तक पे रोल भी नहीं मिल पाएगी इस शख्स को, जेल में ही रहना होगा 18 साल 6 महीने तक लगातार और उसके बाद ही पे रोल के लिए अप्लाई कर सकता है। कुल 22 साल जेल के अंदर रहना पड़ेगा इस क्राइम के लिए। अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई प्रॉपर तो पाया ये गया कि ये बहुत ज़्यादा नशे की हालत में था और 2 दिन से ये सोया नहीं था, और जो मेंटल इसकी हालत थी, जो दिमागी संतुलन लग रहा है कि वो भी ठीक नहीं था। कुछ जो उस समय विटनेस वहाँ पर मौजूद थे उनका कहना है कि वो इस तरीके की बातें, एक्सीडेंट के बाद कर रहा था कि मेरे पीछे भूत लगे हुए हैं, चुड़ैलें लगी हुई हैं जिस वजह से मैं भाग रहा हूँ, तो इस तरीके की वो बातें कर रहा था, नशे में था नो डाउट और 2 दिन से सोया नहीं था, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके चलते ही जो अदालत ने इनको दोषी पाया है और 4 तो इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, 4 लोगों को मारने के 4 चार्ज लगे हैं, इसके अलावा 3 चार्ज ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग के साथ चलना, उसकी तस्करी करना, ये इल्ज़ाम भी लगे हैं, और 1 चार्ज पोजेशन ऑफ ड्रग के, उससे ड्रग जो है बरामद किया गया है उस वजह से भी 1 चार्ज लगाया गया है। तो कुल जो चार्ज मिलाकर जो कुल सज़ा बनती थी वो 22 साल की सज़ा बनती थी और विक्टोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई। हालांकि जब ड्राइवर का नशा उतरा और ये सब चीज़ें उसको पता चली कि क्या उसने ये काम कर दिया है, उसके बाद जो उसने बयान, ये सबसे पहले तो उसने ये अपनी गलती मान ली है कि हाँ मेरे से हादसा हुआ, उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स जिनकी मौत हुई उनकी फैमिली से भी उसने माफ़ी मांगी, लेकिन साथ में ही उसने अपने बॉस के ऊपर, जो उसका बॉस था उसके ऊपर भी सीरियस इल्ज़ाम लगाया। उसका कहना था कि हाँ मेरी गलती है, लेकिन इस एक्सीडेंट के लिए मुझे मजबूर करने वाला या गाड़ी चलाने के लिए मजबूर करने वाला मेरा बॉस था। उसने बताया कि मैंने उसको कई मैसेज भेजे थे कि मैं बुरे दौर से गुजर रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ और तुमसे बात करना चाहता हूँ, जिसके जवाब में उसके सीनियर ने कहा था कि हाँ ठीक है हम बात कर लेंगे। तो इसके बाद महेंद्र सिंह अपने बॉस को ये भी कहते हैं किसी और अधिकारी का नाम लेकर कि स्टीव ने मुझे बोला है कि मैं ड्राइविंग के लिए फिट नहीं हूँ, मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँगा। तो इसके जवाब में इनका बॉस इसको मैसेज करता है कि स्टीव इज़ नॉट डॉक्टर, आई वॉन्ट यू टू ड्राइव, यू आर नाउ हील्ड, कि तुम अब ठीक हो चुके हो, मैं चाहता हूँ कि तुम गाड़ी चलाओ, स्टीव जिसने तुम्हें ऐसा कहा है वो कोई डॉक्टर नहीं है।
इससे तो सीधा सीधा साबित ही होता है कि वो सच में गाड़ी नहीं चलाना चाहता था, उसने बॉस ने उसको मजबूर किया कि तुम गाड़ी चलाओ। और विदेशों के अंदर तो ये बहुत बड़ा क्राइम है ना सोना और नींद में गाड़ी चलाना, ये बहुत बड़ा क्राइम है। आप लोग जानते होंगे कि लॉग बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं कि कितनी देर गाड़ी चलाई, कितनी देर आप सोए। लेकिन इस तरीके से जहाँ पर ड्राइवर कह रहा है कि मैं नहीं चलाना चाहता हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, और उसका बॉस कह रहा है कि तुम चलाओ, और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। अब हादसे के बाद कोर्ट के सामने भी ये सारी दलीलें रखी गई कि वो गाड़ी नहीं चलाना चाहता था, लेकिन कोर्ट ने ये इस बात को मानने से इनकार कर दिया, ये दलील को मानने से इनकार कर दिया, या इसके बिना पर उसको कोई छूट सज़ा में देने से मना कर दिया। क्योंकि उनका कहना था कि ठीक है उसने कंप्लेंट की, लेकिन उसके बाद भी उसके पास अधिकार था कि वो ना चलाता गाड़ी। उसका ये फैसला था कि ठीक है चलो फिर मैं चला लेता हूँ गाड़ी, इसलिए महेंद्र सिंह इसके अंदर दोषी है, ये कोर्ट का कहना है। लेकिन उसका बॉस भी इस केस में अभी बरी नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन उसको अभी तक कोई सज़ा भी नहीं हुई है। तो ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि उसके बॉस को क्या सज़ा मिलती है इस केस में, या सज़ा मिलती भी है नहीं। फिलहाल जो महेंद्र सिंह है, जो ट्रक ड्राइवर भारतीय मूल के मैंने आपको बताया, उनको 22 साल के लिए जेल में भेज दिया गया है। इसलिए दोस्तों ये बेहद ज़रूरी है कि जब भी हम गाड़ी चलाएं, चाहे दो पहिया वाहन चलाएं, कार चलाएं, ट्रक चलाएं, बस चलाएं, हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है अपनी गाड़ी को लेकर, अपने आप को लेकर भी जिम्मेवारी है, अपने आप को भी सेफ रखना है, गाड़ी को सेफ रखना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो लोग सड़क पर चल रहे हैं उनको लेकर भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। हमारी किसी गलती के चलते नशा कर लिया, फ़ोन कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे हैं गाड़ी चलते चलते, तो उस समय याद रखें कि आप निर्दोष लोगों की जान को जो है खतरे में डाल रहे हैं, और खुद भी उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है, जैसे अब महेंद्र सिंह को भुगतना पड़ेगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में दो एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर, आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन, फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।